हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईट इट विद मी। आज हम बनाएंगे चिंगड़ी बेसन। ये प्रॉन से बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में क्लिक करना ना भूलिए फॉर मोर रेसिपीज। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम प्रॉन को अच्छे से धो लिया है। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, दो छोटे टमाटर चॉप किए हुए, दो हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच राई को मैंने पानी में भिगो लिए हैं और नमक स्वाद के अनुसार चाहिए। पहले हम प्रॉन में थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल के इन सारी चीजों को हम प्रॉन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद उसको 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने को छोड़ देंगे। मस्टर्ड पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले भिगे हुए राई को एक ब्लेंडर में ले लिया है। अभी उसमें चॉप किए हुए टमाटर और दो हरी मिर्च को डाल के पीस के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमारा मस्टर्ड पेस्ट अभी बनके रेडी है। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। पहले एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लेंगे और तेल अच्छे से गरम होने के बाद उसमें मैरिनेटेड प्रॉन्स को एक एक करके डाल देंगे। प्रॉन को हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। प्रॉन को आप ज्यादा देर के लिए फ्राई मत कीजिए। ये देखिए, हमारे प्रॉन्स अभी फ्राई होके गोल्डन कलर हो गए हैं। अभी उसको एक प्लेट में हम निकाल देंगे। उसी कढ़ाई में अभी बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। प्याज अभी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, उसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इन सारी चीजों को मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए उसको लो फ्लेम में कुक करेंगे। अभी उसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे पहले, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको कुक करेंगे। इन सारी चीजों को 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच में हम ढक के पकाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद ये देखिए, मसाले अपने तेल छोड़ लिया है और अच्छे से कुक हो गए। अभी उसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद फ्राई किए हुए प्रॉन्स को अभी डाल देंगे उसमें। प्रॉन को मसालों के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अभी उसमें 1 कप पानी हम डालेंगे। इन सारी चीजों को अभी हम 6 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच में ढक के पकाएंगे। छह से सात मिनट बाद ये देखिए, हमारे प्रॉन और मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी उसके ऊपर से गोल शेप में काटे हुए कैप्सिकम के 2-3 स्लाइसेस और टमाटर के 2-3 स्लाइसेस डालेंगे। मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च को बीच में से स्लिट कर लिया है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला के 1 से 2 मिनट के लिए हम स्टीम देंगे। इसके बाद हमारा चिंगरी बेसर अभी बन के बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। ये रेसिपी आपको कैसा लगा, कमेंट, लाइक और शेयर करके बिल्कुल बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।